हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जो कि ठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए बच्चों, आज हम फिर से यहां पर वीडियो में उपस्थित हुए हैं और कुछ आगे प्रश्नों को करेंगे। देखिए हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 8.1 चल रही है और इस एक्सरसाइज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम आज आपके लिए बताते हैं। 14 तक प्रश्न आपके निपट गए थे, आज हम आपके लिए 15वां क्वेश्चन कराएंगे। तो 15वां क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, देखिए ध्यान से। 15वां क्वेश्चन है हमारा, 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न, हम बताते हैं आपके लिए। प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, इस तरीके से बना हुआ है। मैं बता देता हूं, मैंने बना लिया यहां पर एबीसी। इसमें जो बी कोण है यानी एंगल बी है वो समकोण है। एंगल बी कैसा है? समकोण है यानी 90 डिग्री का है। अगर बी समकोण है और यहां पर एक वैल्यू भी दी गई है, टेन ए बराबर 1/√3, ये दिया गया है। यानी टेन ए बराबर 1/√3 दिया गया है। तो कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। पहला जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहले इसका मान ज्ञात करना है, फिर एक दूसरा पार्ट भी उसको भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे इसको ज्ञात करने के लिए इस टेन ए को डिफाइन करना पड़ेगा। टेन ए को डिफाइन करने का मतलब है टेन ए बराबर 1/√3। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार होता है, तो यहां पर आप देख लीजिए लंब कितना है, एक, तो मैंने एक रख दिया, और आधार कितना है, √3, तो मैंने √3 रख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम कर्ण को निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर कर्ण को निकालेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी स्क्वायर रूट के अंदर आधार है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी √3 और प्लस 1 हो गया आपके लिए 4, और √4 का जो है यहां पर आ गया वर्गमूल 2। तो इस हिसाब से इसका जो कर्ण हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। अगर 2 हो गया है तो इस हिसाब से मैं साइन ए निकालूंगा, कॉस सी निकालूंगा, कॉस ए निकालूंगा, साइन सी निकालूंगा। तो यहां पर मैं साइन ए को बात करूं, साइन थीटा यानी साइन ए, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 1, और कर्ण कितना है, 2, तो 1/2 हो गया। साइन ए बराबर 1/2। इसी तरीके से मैं निकालूंगा कॉस सी, तो कॉस सी निकालेंगे। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, लेकिन सी के हिसाब से, सी के हिसाब से अगर मैं आधार बटे कर्ण निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपके लिए √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2। क्यों, क्योंकि एंगल सी लिया है, सी एंगल लिया है हमने, तो सी के हिसाब से इसका जो, देखो यहां पर कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है कितना, √3 है, और कर्ण कितना है, 2 है, है ना, तो कॉस सी बराबर √3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कॉस ए निकालूंगा, ये भी आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, 2, √3/2। ऐसे ही मैं अब निकालूंगा यहां पर कॉस ए हो गया हमारे पास, अब हो गया साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 1/2 ही आपके लिए आ जाएगा, साइन सी बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज रख देंगे, यहां पर मान रख देंगे। तो पहले साइन है, तो साइन ए का मान कितना है, 1/2, और गुणे में कॉस सी, तो कॉस सी का मान कितना है यहां पर, √3/2, ये हो गया, प्लस कॉस ए का मान कितना है, √3/2, और यहां पर इसी हिसाब से जो है यहां पर कॉस सी का मान आएगा, कॉस सी का मान ये √3/2 यहां पर नहीं है, ये ध्यान देना जरा, कॉस सी का मान कितना आएगा,
कॉस सी का मान यहां पर आएगा सी के हिसाब से, सी एंगल के हिसाब से कितना आएगा कॉस सी का मान, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसका हो जाएगा इस हिसाब से एक, क्योंकि ऐसा आएगा एक आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा आपके लिए दो, तो एक बटे दो आएगा यहां पर, एक बटा दो, यानी यहां पर आपके लिए आएगा एक बटा दो। और ये यहां पर जो कॉस ए है, कॉस ए का मान भी आपके लिए कितना आएगा, तो कॉस ए का मान यहां पर रूट थ्री बाई टू आएगा, ये हो गया। और साइन सी का मान जो आएगा वो यहां पर आपके लिए वही आएगा रूट थ्री पॉइंट टू, क्योंकि साइन सी का मान लिख रहे हैं ना सी के करस्पॉन्डिंग, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपके लिए ये हो जाएगा इधर से और कर्ण आपके लिए यही रहेगा, ठीक है, रूट थ्री पॉइंट टू। तो अब हम इसको रख देते हैं रूट थ्री पॉइंट टू को और यहां पर गुणा कर देते हैं। देखिए एक की गुणा एक से एक, बटे में दो दूनी चार, प्लस रूट तीन की गुणा रूट तीन से, स्क्वायर रूट हट जाएगा तीन बचेगा, और दो की गुणा दो से चार। तो यहां पर आप देखिए चार हमने एलसीएम ले लिया, चार लासा ले लिया, तो चार हमने लासा लेकर के वन प्लस थ्री हो गया, और यहां पर तीन और एक चार हो जाएगा, चार बटे चार यानी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक, यही हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, दूसरा पार्ट क्या है लिखा है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है भाई। तो कॉस ए का मान यहां पर देखिए कितना है, तो कॉस ए का मान है रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस सी का मान कितना है, तो कॉस सी का मान है वन बाई टू माइनस साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए का मान है वन बाई टू इंटू साइन सी का मान कितना है, तो वो है रूट थ्री बाई टू, तो ये गुणा हो जाएगी रूट थ्री अपॉन टू टू जा फोर माइनस वन की गुणा यहां पर हो जाएगी रूट थ्री से, तो रूट थ्री और बटे में दो दूनी चार, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके लिए आंसर आ जाएगा क्या जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारा यह प्रश्न खत्म हुआ, यह प्रश्न हमारा 15 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने आपके लिए करा दिया है। अब जस्ट नाउ हम इसके आगे बढ़ते हैं तुरंत और अगला प्रश्न करते हैं, 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों अब आपके लिए यहां पर हम आपके लिए प्रश्न करा रहे हैं 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, यहां पर दिया गया है टेन थीटा बराबर 12/13, टेन थीटा बराबर दिया गया 12/13, और आपको तब निकालना है, क्या निकालना है ध्यान से सुनना, टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बना लेंगे टेन थीटा बराबर 12/13 को, तो इस हिसाब से लंब बटे आधार होता है यहां पर, तो टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना, लंब बटे में आधार ये होता है, तो यहां पर लंब बटे में आधार होता है, आप रखा लंब कितना है 12, आधार कितना है 13, ठीक है। और हमें इसको कर्ण को निकालना पड़ेगा, तो कर्ण को निकालने के लिए हम इसका कर्ण को निकालेंगे, कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आप सुनना है यहां पर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग है, आधार कितना है हमारे पास 13, तो 13 का वर्ग हो गया, और प्लस लंब है तो लंब का वर्ग यानी लंब है 12, तो 12 का वर्ग हो गया, तो यहां पर 13 का वर्ग 169 और प्लस 12 का वर्ग 144, इनको जोड़ देंगे हम यहां पर 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा यहां पर 1, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 3 313, रूट के अंदर 313 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपके लिए 313 हो गया, इस हिसाब से यहां पर क्या करना है आपके लिए, इतना ही रखना है, कर्ण आ गया रूट के अंदर 313, ठीक है। अब हमें ये चीजें निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, तो यहां पर हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में
कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास 12 और कर्ण का मान कितना है रूट के अंदर 313, ये आ गया। इसी हिसाब से कॉस थीटा निकालेंगे तो ये होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब आधार का मान कितना है 13 और कर्ण का मान कितना है रूट के अंदर 313, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू यहां इसमें डाल देंगे तो सबसे पहले लिखा है 2 × sin θ, तो 2 × sin θ का मान क्या है 12 √ 313 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान है 13 √ 313, ये है 313 बटे में लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है 13 √ 313, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का मान हमारे पास कितना है 12 √ 313 का स्क्वायर, ये है। तो हम यहां पर सॉल्व करके देखते हैं, 12 × 24 √313 माइनस 13 √313 और बटे में ये स्क्वायर होगा तो यहां पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, नीचे वाले में 13 का वर्ग हो जाएगा, तो 13 का वर्ग 169 बटे में 313 माइनस 12 का 144 बटे में 313 बटे में 313। अब यहां पर देखिए ये रूट 313 तो एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बचेगा आपके लिए 24 माइनस 13 बटे में, यहां देखो 313 एलसीएम आ जाएगा, बचेगा 169 माइनस 144, ठीक है भाई, ये हो गया। अब 24 में से 13 चला जाएगा तो 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11, तो इस हिसाब से 11 बचा बटे में रूट के अंदर 313 बटे में, 169 में से 144 घटा देंगे, देखो 9 में से 4 गया आपके लिए 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा 25, तो यहां पर आपके लिए आ गया 25 और बटे में आ गया 313। अब इनको भाग विधि से सही कर देंगे, यानी 11 बटे रूट के अंदर 313 गुणे 313 ऊपर चला जाएगा बटे में आ जाएगा 25, तो यहां पर कुल मिला करके ये हो जाएगा 11 गुणे 313 बटे में 25 गुणे 313 रूट के अंदर, ठीक है। इसकी गुणा करा लेंगे, 11 3 33 का 3, हासिल लगा 3, 11 कम 11 3 14 का 4 और हासिल लगा यहां पर 1, 11 3 33 और 1 34, 34 43 बटे में 25 और रूट के अंदर 313। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू आपके लिए आ जाएगी और पूरा हमारा यहाँ पर जो सवाल है वो हल हो चुका है और इस तरीके से हमें यह 16वां प्रश्न करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम 17वां प्रश्न अब देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपके लिए यहां पर 17वां क्वेश्चन हमने लिया है और 17वां क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या 17वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से। लिखा है यहां पर साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर कॉस एक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर में होगा रूट के अंदर 7/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको प्रश्न को अब हम कराते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो साइन ए बराबर 3/4 दिया है इसका मैं चित्र बना देता हूं। तो साइन थीटा वैसे होता है यहां पर लंब और बटे में कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान इस हिसाब से है 4, ठीक है। तो हमें इसका आधार निकालना पड़ेगा और आधार निकालने के लिए सूत्र लगता है, आधार बराबर स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस आधार, और ये आधार निकाल ले तो लंब का वर्ग, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कर्ण कितना हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 4 × 16 माइनस 3 × 9, तो
तो हमारे पास आ जाएगा 16 में से 9 गया, रूट के अंदर आएगा 7, यानी 7 आ गया रूट के अंदर इसका आधार। क्या आ गया? आधार आ गया रूट के अंदर 7। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, कोसे के निकालना है, देखिए ध्यान से। तो मैं कोसे के निकाल सकता हूं, तो कोसे के बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, साइन थीटा जो दिया गया है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, साइन कोसेक थीटा हो जाएगा यहां पर कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास यहां पर 4 और लंब है हमारे पास 3, तो 4/3 हो गया। इसी हिसाब से हमें निकालना है कॉट ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यहां हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। तो आधार कितना है यहां पर, तो आधार है रूट 7 और लंब है कितना 3, ये हो गया। इसी तरह से sec sec a निकालना है, sec थीटा, तो cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान कितना है, तो वो है 4 और आधार का मान कितना है, तो वो है रूट के अंदर 7। तो इसको हम सब जगह अप्लाई कर देंगे, जैसा कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक का मान है 4, 4/3 का स्क्वायर, माइनस कॉट ए, कॉट ए का मान है रूट 7/3 और उसका स्क्वायर कर देंगे, और बटे में सेक स्क्वायर है, सेक का मान है 4/√7 और इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते ले जाएंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 4^16 और 3 × 9 माइनस रूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, और बटे में 3 × 9 और इसके बटे में, देखो 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16, बटे में रूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आ जाएगा और माइनस का 1। इस हिसाब से यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, 16 और ये इसमें एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा एलसीएम, 9 एलसीएम आ गया, तो बचेगा 16 − 7, 16 − 7 और इसके बटे में यहां हो जाएगा 16 और 7 × 7, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे, 7 × 7 आ जाएगा, 16 − 7 और बटे में आ जाएगा फिर से आपके लिए 7, ये आ गया। तो देखिए यहां पर स्क्वायर रूट में 16 में से 7 गया 9 और यहां पर 16 में से 7 गया, देखो यहां पर 9 आया और 9/9 हो गया, इसी हिसाब से 16 में से 7 गया 9 और बटे में हो गया 7, ठीक है भाई। 9 से 9 ये तो कट जाएगा, तो इस हिसाब से स्क्वायर रूट के अंदर बचा हमारे पास 9/7 और 9/7 को लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है 9 का 3 और 7 का जो है नहीं हो पाएगा, तो रूट के अंदर 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न है वो प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको पूरा सॉल्व करा दिया, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही हम प्रश्नों को कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो है आगे भी आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। तो यहां पर अब आपके लिए जो अगला होगा प्रश्न वो 18वां प्रश्न है, फिर 19वां प्रश्न है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे ही हैं, तो यहां पर उनको कर सकते हैं। तो तब तक इतने प्रश्नों को करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सभी प्रश्नों को खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।